नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। हमारा आज का विषय है कि साइलेज कि जब बंकर ओपनिंग करनी है तो उस दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुनील अत्री जी, जो कोटेवा एग्री साइंस के साइलेज बिजनेस मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और वो हमसे अपना अनुभव शेयर करेंगे। मुख्य तौर पे देखें, मुख्यतः आज के डेयरी फार्मर की नीड, जो उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, जो उसके पास जमीन की कमी हो रही है चारे उगाने के लिए, है ना, और जो जिस तरीके की एडवांस ब्रीड आ रही है डेयरी फार्मर्स के पास में, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए साइलेज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपाय है, जो उसके बहुत ही काम में आता है, जिसकी इसके उपयोग से डेयरी फार्मर जो है अपने खर्चे भी कम कर सकते हैं, लेबर के ऊपर भी अपने एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं और अपने चारे की सारा साल अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। सो साइलेज उस तरीके से एक काफी डेयरी फार्मर्स के लिए काफी फायदे का जो सौदा है, तो इसलिए जो आज के डेयरी फार्मर है इसमें काफी अडॉप्शन उसका बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें खास तो मुख्यतः पहले ये वसंत ऋतु में जो मक्का लगता था उसका चारा बनाया जाता था, आज हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारा साल ही वसंत ऋतु में, इवन गेहूं काटने के बाद में, इवन वर्षा ऋतु का जो चारा लगता है, तो हर तरह की जो फसल मक्का की लगती है, हर सीजन की फसल, उसमें से जो हमारे किसान भाई हैं वो साइलेज बनाने लग गए हैं इसके जो उपयोग को देखते हुए और इसके फायदे को देखते हुए। तो ये जो मक्के का चारा है, ये इसका कितना क्या कॉस्ट पड़ जाती है, जरा कॉस्ट फैक्टर भी बताइए ताकि हमारे किसानों को पता चल सके। ये कॉस्टिंग अगर हम लोग बात करें तो मुख्यतः जो फार्मर का चारा उगाने की कॉस्टिंग है, जो कहीं आप ये पकड़ के चलिए 1.5 से 2 रुपए किलो के आसपास फार्मर को मक्के का चारा जो है उगा करके उसका साइलेज बनाएगा, तो 2 रुपए के आसपास उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ती है, बाकी 50 पैसे से लेकर के 1 रुपया केजी तक के डिफरेंट उसके एक्सपेंसेस होते हैं कि वो बंकर में बना रहा है या उसको कैसे बेल्स में बना रहा है कैसे, तो लगभग 1 रुपए तक का हम उसका वो खर्चा पकड़ ले तो 3.75 रुपए पर केजी के आसपास एक फार्मर को ये साइलेज जो है बना करके, इंक्लूडिंग लेबर एंड सारे एक्सपेंसेस, उसको लगभग पड़ता है। लेकिन ये चाहे 3-3.5 रुपए में भी पड़ जाए फार्मर को, उसके बावजूद भी ये सारे साल की जो चारे की सुनिश्चितता कर देता है, उसका फायदा बहुत बड़ा है इसकी कॉस्ट के कंपैरेटिवली। गेहूं काटने के बाद में जो लोगों ने चारा लगाया था मक्के का, तो इस चारे से बहुत सारे फार्मर्स ने साइलेज बनाया है। तो मैं आपसे जैसे जिक्र कर भी रहा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है, जब उन लोगों ने जिन्होंने अप्रैल या मई में ये चारा बोया था एंड बाद में उन्होंने लगभग 80-90 दिन के बाद इस फसल को काट करके बंकर्स में डाला, साइलेज बनाया, तो आजकल का समय जो है वो बंकर्स खुल रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को जो इस तरीके के साइलेज मेकिंग में थे, जिन्होंने गेहूं के बाद में चारा लगा के उसका साइलेज बनाया था, खास बातें जिनके ध्यान में रख करके वो अपने बंकर को मेंटेन कर सकते हैं, अपने साइलेज की क्वालिटी को ध्यान में रख सकते हैं, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है ना इस समय पे, वो होता है कि बंकर को खोलना जी। तो नॉर्मली जैसे आपने एयर टाइट करके पैक करके उसको बंद किया हो, तो बंकर खोलना एक तो नॉर्मली प्रोसेस है, आपने सिंपली उसका रैपर जो है वो हटा दिया जो उसको पैक किया हुआ था, तो बंकर खुल गया। लेकिन कुछ खास चीजें जिनका ध्यान रखना है, एक बहुत सारे फार्मर ये जानते नहीं है, इसके अंदर ना एक गैस होती है जिसे हम लोग साइलो गैस बोल देते हैं जी। तो साइलो गैस जब हम साइलेज को बंद करके लगभग 40-50 दिन के लिए रखते हैं जी, साइलेज बनने के लिए चारे को, तो उसके अंदर एक गैस बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो फसल के अंदर जो नाइट्रेट लेवल्स होते हैं वो अपनी प्रक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करते हैं जो कि एक जहरीली गैस बन जाती है। इस गैस की वजह से कोई हानि ना हो तो उसका खासतौर से विशेषता से ध्यान रखें उसका। बहुत सारी जगह पे ऐसे एपिसोड्स भी हो जाते हैं जो कि ये हानिकारक हो सकते हैं। तो जब उसका अपर लेयर खोली जा रही है तो अपर लेयर को धीरे धीरे खोलें, प्रॉपर मास्क पहन के उस टाइम पे खोलें, ठीक है, एकदम से उसके टच में ना आए। बहुत बार ये टेंडेंसी होती है फार्मर की कि मैंने साइलेज खोला है तो देखें कितना खुशबूदार बना है, देखिए कितना को बढ़िया बना है, तो हाथ में लेकर के उसको स्मेल करने की जो टेंडेंसी रहती है,
तो एकदम से ये सारी चीजें ना करें, तो धीरे धीरे जब आपने लेयर खोली है कम से कम उसको आधा घंटा एक घंटा उसको आप खुला रहने दें, उसके बाद में आप आपको जो भी एक्शन लेना उसके बाद में करें। दूसरी खास तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि क्योंकि वो लेयर फर्स्ट टाइम पे खुल रही है, तो जब हम फ्रंट उसका खोलते हैं तो लेयर के आगे ना एक काले रंग की एक पपड़ी सी जमी रहती है, मुख्यतः बहुत सारे साइलेज पिट्स में ये पाया जाता है। वो पपड़ी क्या होती है कि हीट की वजह से प्लस उतना पोर्शन जो थोड़ा थोड़ा एयर के कॉन्टेक्ट में रहता है वहां पे ये पपड़ी जम जाती है, तो इस पपड़ी में बहुत सारी फंगस होती है। तो इस पपड़ी को उतार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वो फंगस इन्फेक्टेड चारा, फंगस इन्फेक्टेड साइलेज एनिमल को खिलाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा टॉक्सिन्स का स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से एनिमल की हेल्थ को भी नुकसान होता है, एज वेल एज वो बहुत सारे टॉक्सिन जो होते हैं दूध में भी आने शुरू हो जाते हैं। ये दोनों ही तरह से हानिकारक है, इंसानों के लिए भी क्योंकि दूध में वो टॉक्सिन्स आ जाते हैं, और जानवरों के लिए भी क्योंकि उसके ऊपर एक कंटिन्यूस स्ट्रेस बिल्डअप रहती है। फिर हम बात करें जब हमने उसको परत को हटा दिया, जब हमने फंगस इन्फेक्टेड साइलेज हटा दिया, तो उसके बाद में हम जब डेली रूटीन में आना है तो क्या करना। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या डेली काट करके हमें उसको दोबारा से ढक देना चाहिए। ढकना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ढकने से ज्यादा काटने की जो पद्धति है वो इम्पोर्टेंट है, काटने का तरीका। तो कई किसान क्या करते हैं कि कन्वीनियंस के मुताबिक जहां उन्होंने जैसे लेबर या सीरी रखे हुए हैं, तो बहुत 10 फुट चौड़ा बंकर है, वो आज तो इस लेफ्ट साइड से काट रहे हैं, कल बीच में काट रहे हैं, उसके अगले दिन अगले साइड से काटना शुरू करते हैं, बहुत अंदर तक काट लेते हैं और कुछ आधा छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हमारा जो शेल्फ लाइफ है, जो हमारा साइलेज है, जो हमने लाखों रुपए खर्च करके एक बंकर के अंदर डाला हुआ है, उसकी जो क्वालिटी काफी खराब हो जाती है। तो हमें उसको केक की तरह पूरा का पूरा फ्रंट काटना है। सपोज आपका 10 फुट का बंकर है, 10 फुट चौड़ाई का बंकर है, 8 या 7 फुट हाइट है उसकी, तो आप उसकी 4 से 6 इंच लेयर रोजाना के रोजाना काटें अपनी जरूरत के मुताबिक, जितने आपके यहाँ पे एनिमल है। तो उससे क्या होएगा कि रोजाना उसके ऊपर जो फंगस बिल्डअप होनी, क्योंकि अब आपका अचार, आपका साइलेज एक बार कट गया तो हवा के कॉन्टेक्ट में तो आ गया, अगर आप उसको रोज के रोज नहीं काटोगे तो उस पर फंगस बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी, तो ये फंगस अगेन हमारे एनिमल के लिए जो है नुकसानदेह है। तो इस तरीके से हम लोग उसको मतलब मैनेज कर सकते हैं। काटने का एक और तरीका होता है चंदन जी, कि जब साइलेज को काटा जाए उसको हमेशा टॉप टू बॉटम काटना चाहिए। उसका कारण क्या है कि अमूमन जब आपने देखा होगा एक तरंगली करके यहाँ पे इक्विपमेंट आता है, फार्मर उसके साथ में इसको काटते हैं, वो तरंगली चलाने की पद्धति ये होती है कि ऐसे पकड़ के इसको नीचे से ऐसे मारा जाता है ना। तो जब नीचे से हम मारेंगे किसी चीज को, जोर लगाएंगे, तो उसके ऊपर का पूरा जितना वो साइलेज का पहाड़ सा बना हुआ, ढेर बना हुआ है, वो एकदम से हिल जाएगा। हो सकता है ज्यादा ना हिले, आपको ज्यादा ना दिखे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हिलने की वजह से डैमेज हो जाएगा, उसके अंदर बहुत लंबी लंबी पतली दरारें बन जाएगी उसके अंदर। तो ये दरारें जब अंदर जाती है, इन दरारों में हवा जाती है, तो हवा, ये मान के चलिए कि हवा जो है वो साइलेज के लिए दुश्मन है। हमने हवा की गैर मौजूदगी में तो वो साइलेज बनाया ना, तो जब हवा अंदर तक चली जाती है, वो कई कई फुट तक अंदर चली जाती है, तो वहां पे धीरे धीरे अगेन ये माइक्रोटॉक्सिन्स, ये फंगस जो है बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू एयर एंड ड्यू टू हीट पेनिट्रेशन। ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और खास तौर से जो मैंने आपको अभी बता रहा था कि ये जो हीट, क्योंकि आप एक बार फेस कट गया तो वो एयर के एक्सपोजर में तो रहेगा रहेगा। अब हम अगर इसमें कुछ किसान इनाकुलेंट्स यूज करते हैं, अच्छे दर्जे के इनाकुलेंट्स, पाइनियर कंपनी के, कोटेवा के भी, खुद के भी इनाकुलेंट्स आते हैं, सो इनाकुलेंट यूज करें, अच्छे बैक्टीरियल स्ट्रेन का इनाकुलेंट यूज करें। लैक्टोबैसिलस बुकनेरी करके एक प्रजाति है बैक्टीरिया की, वो वाला इनाकुलेंट आप यूज करें, जो कि आपके साइलेज को, आपके बंकर की लाइफ को एक लॉन्ग शेल्फ लाइफ प्रोवाइड करता है। जी, तो आपका साइलेज जो अगले 6 महीने तक चलने वाला है, अगर उसका फ्रंट फेस डेली ओपन रहता भी है और उसमें अच्छे इनोकुलेंट यूज हैं, तो उसको एरोबिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मान्यता के उसको जो बाहर की हीट है उससे बचा करके रखते हैं, जिस वजह से आपका साइलेज खराब नहीं होता। तो मेरा इसमें एक सवाल था कि अगर किसान गलती कर बैठे ऐसी कि उसने अचानक से काट दिया और फंगस सारा मिक्स हो गया, तो फिर उसके पास क्या हल है उस फंगस से, उस चारे को बचाने का?
अच्छा सवाल है चंदन जी, ये भी अगर किसी किसान से कुछ ऐसी गलती होगी जो एयर के एक्सपोजर में रह गया है, या कहीं पे मान लो प्रॉपर पैकिंग नहीं हो पाई है, एयर पॉकेट्स बन गई हैं, तो कई लोग ये करते हैं कि जी चलो देखिए कई तरह की कंपनीज आ गई हैं, लोग कहते हैं कि जी आप इसमें ये वाला टॉक्सिन बाइंडर डाल लो और आप ये वाला साइलेज खिला सकते हो, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं करना है, क्योंकि कोई भी टॉक्सिन बाइंडर एक बार जो आपको एक्सटर्नली विजिबल लोड ऑफ फंगस है उसको नहीं रोक सकता बिल्कुल भी। उल्टा ये कि आपको सपोज अगर साइलेज के बंकर में, साइलेज के ढेर में कहीं पे फंगस दिख रही है, 4 इंच दिख रही है, तो आप ये मान के चलिए उसका 4 गुना अंदर की तरफ और फंगस डेवलप हो चुकी होगी, जो आके आपको अपनी आंखों से दिख नहीं रही है, जो कि कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए ऐसे साइलेज को जो एटलीस्ट एक्सटर्नली विजिबल है आपको, उसको हटा देना चाहिए, उसको अपने एनिमल को कभी नहीं देना चाहिए। कोई कितना भी कह ले कि इसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर डाल करके आप दे सकते हो, वो कभी नहीं करना चाहिए, फंगस इन्फेक्टेड साइलेज हमेशा हटा लेना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बीच में मेरे अभी लास्ट के डिस्कशन में छूट गई थी, जब आप बंकर खोला है आपने ना, तो आपने एक पर्टिकुलर मॉइस्चर लेवल के ऊपर, ड्राई मैटर के ऊपर आपने साइलेज को बंद किया था, आपको अपने एनिमल्स की राशनिंग, कितना उसको राशन देना है, क्योंकि राशन में सबसे बड़ा हिस्सा तो साइलेज का ही होगा ना। अगर आप मान लो 30 किलो किसी एनिमल को कोई टोटल राशन दे रहे हो, उस 30 किलो में आप ये पकड़ के चलिए कि लगभग मोटे मोटे तौर पे 20-22 किलो जो है वो आपका साइलेज का ही हिस्सा आएगा। तो साइलेज ड्राई मैटर पूरा कर रहा है एनिमल का या नहीं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप उसका ड्राई मैटर या उसका मॉइस्चर का टेस्ट जरूर करवाएं कि जो अभी मैंने साइलेज का बंकर ओपन किया इसमें ड्राई मैटर कितना है, सो दैट उसके बेसिस पे आप उसकी फीडिंग, उसका जो कंसंट्रेट फीड देना है उसको, या अदर मटेरियल जो ऐड करने है उसके राशन में, वो अकॉर्डिंगली चेंज कर पाए। इसके लिए एक सुविधा है, अगर मान लो कुछ फार्मर नहीं उसको करवा पा रहे, क्योंकि आमतौर पे ओवन ड्राई करके होता है या कुछ मशीनों के साथ में होता है, लैब्स वगैरह में होता है, अगर किसी फार्मर के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है और वो कुछ ये टेस्टिंग करवाना चाहता है, तो वो कोटेवा एग्री साइंस की टीम से संपर्क कर सकता है, हमारे साइलेज की जो टीम फील्ड में होती है, या आप मेरा नंबर भी फ्लैश कर सकते हैं बाद में फार्मर्स को, मुझसे डायरेक्ट भी फार्मर बात कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो ड्राई मैटर टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो कि मैं इस बातचीत में रखना चाह रहा था। ये जो बंकर ओपनिंग है इसके टाइम पे मुख्यतः यही बातें ध्यान में रखने वाली थी। तो अगली बातचीत में हम दोबारा मिलेंगे किसी और टॉपिक की ऊपर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल कृषि हेल्पलाइन सब्सक्राइब करें। हमसे बातचीत करने के लिए सुनील जी आपका धन्यवाद। नमस्कार।